नमस्कार दोस्तों, बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से जो है ऑनलाइन पेमेंट करने पर इस तरीके का मैसेज जो है हमारे सामने आ रहा है। इस मैसेज में जो है बताया जा रहा है कि आपको केवाईसी जो है अपडेट करना होगा। केवाईसी अपडेट करने के बाद ही आप जो है पेमेंट कर पाइएगा। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का जो है एनुअल फी भी जो है हम पे किए थे। अगर आप कोई भी साइट पर जो है जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट पर जो है ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं तो आपका वहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है फेल्ड हो जा रहा है, लेकिन हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS भी जो है आ रहा है, OTP भी जो है आ रहा है। हम इस समस्या को लेकर जो है काफ़ी परेशान थे। अगर आपका भी यही समस्या है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बरवाटे। चैनल पर नया है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का जो है हमारा ई मंडेट जो है पहले से सेटअप हो चुका है, लेकिन जब हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा ट्रांजेक्शन जो है फेल्ड हो जा रहा है। जब ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जा रहा है तो आप लोग को जो है KYC अपडेट करना होगा। तो KYC अपडेट करने के लिए आप घर से जो है कर सकते हैं। अगर बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड में KYC अपडेट करने के लिए आप लोगों के पास एक SMS जो है आया हुआ है। देखिए यहाँ पर इस SMS में जो है ट्रांजेक्शन अलर्ट जो है लिखा हुआ है। अगर आपका ट्रांजेक्शन जो है फेल्ड हो जा रहा है ऑनलाइन कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पर एक लिंक जो है दिया गया था, आप लोग को इस लिंक वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। ये सीधे जो है ब्राउजर में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद बजाज फिनसर्व जो है ऑनलाइन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको रजिस्टर जो है अकाउंट का मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कीजिएगा। इसके बाद आप लोग को इंडिविजुअल यहाँ से जो है सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा। इसके बाद गेट OTP वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। OTP हमारे पास जो है आ चुका है, हमने OTP यहाँ पर इंटर भी कर लिए हैं। इसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर आप लोग को जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोग का डेट ऑफ बर्थ जो है इंटर करना होगा। तो चलिए हम अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है इंटर कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। प्रोसीड यहाँ पर हमारा एड्रेस जो है आ चुका है। अगर आपका एड्रेस सही है तो इसके बाद टिक वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। इसके बाद कन्फर्म वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना होगा। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड में KYC करने के लिए रिक्वेस्ट मैंने जो है दे दिया है। यहाँ पर सक्सेसफुल जो है हो भी चुका है। हमारा 2 दिनों के अंदर जो है हमारा बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड में जो है KYC अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप ऑनलाइन जो है अपने बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से जो है पेमेंट कर पाएंगे। इसके बाद आपका कोई भी एरर जो है देखने को नहीं मिलेगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में जो भी डाउट चल रहा होगा एक नीचे प्यारा सा कमेंट करके हमसे जो है सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को फ्रेंड या रिलेटिव के पास आपको जरूर शेयर करना होगा।